आज जहां चुनाव परिणाम लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं, जैसे जैसे भाजपा की सीटों का ग्राफ नीचे आ रहा है, वैसे वैसे अडानी ग्रुप के शेयर भी नीचे आ रहे हैं। शेयर बाजार में आज सुबह से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार गिरावट के साथ खुला है। वहीं सेंसेक्स 12 बजे के करीब 3000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ 74,808.62 के स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं निफ्टी 500 अंक से ज़्यादा की गिरावट के साथ 22,757.10 के स्तर पर है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आज सुबह से वोट की गिनती शुरू हो गई है। इसी बीच बाजार में सुबह से ही भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार में इसी भारी गिरावट के बीच अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर में भी गिरावट देखी जा रही है। बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए। अडानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप के प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस में लोअर सर्किट लग गया है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट के चलते निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शेयरों में गिरावट के बीच गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी झटका लगा है, इसमें से गिरावट आई है। शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट के बीच अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर लाल निशान पर ट्रेंड कर रहे हैं। शेयर बाजार में गिरावट के बीच अडानी ग्रुप की कंपनियों के भी शेयर में भारी गिरावट देखी जा रही है। अभी तक तूफानी तेजी से भाग रहे अडानी के स्टॉक्स आज लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। आज अडानी ग्रीन 5% गिरावट के साथ 1,932 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। अडानी पावर में 6%, अडानी पोर्ट्स में 8.20%, अडानी एंटरप्राइजेस में 9.017%, अडानी विल्मर में 5.6%, अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन में 8%, अडानी ग्रीन एनर्जी के 8.90%, अडानी टोटल गैस में 9%, अंबुजा सीमेंट में 9% और NDTV के शेयर में 10% से ज़्यादा की गिरावट देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों में अडानी ग्रुप के शेयर कितना नीचे जाते हैं।